हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 10 सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स। आज हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि इसके पहले के जो लेक्चर थे हमने, उसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हमने देखे थे एंड उसमें हमने देखा था कि न्यूक्लियस क्या होता है, फिर हमने देखा था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि जो आपका ईआर था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो वो हमने कवर किया था। फिर उसके बाद हमने गोल्गी बॉडीज देखे थे एंड बहुत सारी चीजें हमने कवर की थी दोस्तों। आज हम लोगों को उसी को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों कुछ और सेल ऑर्गेनेल्स बचे हुए हैं जिनका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स है, क्लोरोप्लास्ट है, ये सभी चीज को कंप्लीट कर देना है और इसी के साथ ये हमारा जो चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 10 सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स ये हो जाएगा टोटली कंप्लीट। यानी कि आपका जो लेक्चर नंबर 3 जो चल रहा है ये वाला, आज इसका आखिरी लेक्चर है, ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। तो जल्द से जल्द हम लोग जो बचे हुए चैप्टर से उसको भी कंप्लीट करा देंगे ताकि आपका 8th स्टैंडर्ड का साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर 100% कंप्लीट हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स जो कि आज के इस लेक्चर में पढ़ना है हमें, वो है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल माना जाता है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, अब ये होता क्या है? सबसे पहले इसका एक स्ट्रक्चर है दोस्तों, मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ आपके लिए ड्रॉ करने की। तो लगभग इस प्रकार इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, अगर मैं बात करूँ। और इसके अंदर क्या होता है, दो लेयर्स होते हैं, ठीक है, डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है ये। मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा, डोंट वरी, पहले मैं डायग्राम थोड़ा सा बना लूँ। और इसके अंदर क्या होते हैं, एक तरीके से बहुत सारे लेमेलेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इस प्रकार लेमेलेस प्रेजेंट होते हैं। और इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे मैट्रिक्स भरे होते हैं। तो अगर मैं बात करूं जो मैं आपको बता रहा था यहाँ पे कि दो लेयर होते हैं, एक तो आपका ये लेयर होता है सबसे बाहर वाला यानी कि आउटर लेयर होता है, और ये सबसे अंदर वाला यानी कि ये इनर लेयर होता है, ठीक है ना। तो ये आउटर लेयर एंड इनर लेयर होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर क्या भरा होता है, मैट्रिक्स भरा होता है जो कि एक लिक्विड होता है, ठीक है, लिक्विड भरे होते हैं इसके अंदर, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और ये जो आपको ये फोल्डिंग्स दिखाई देते हैं इसको हम लोग बोलते हैं सिस्ट्रे, ठीक है, स्पेलिंग यहाँ पे लिख लेते हैं क्रिस्टे, ठीक है ना, CRISTAE, तो क्रिस्टे होते हैं। तो ये उसका कुछ स्ट्रक्चर है और अक्सर एग्जाम में पूछता है ड्रॉ द नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो आपको इस तरह ड्रॉ करना है, थोड़ा सा लेबलिंग कर दोगे 3-4 तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, बहुत सिंपल होता है। अब इसके बारे में चर्चा करेंगे कि एक्जैक्टली माइटोकॉन्ड्रिया होता है क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको इसका मेन फंक्शन ही बता दूंगा, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ को याद रखने का सबसे मेन जरिया जो होता है, जो मैं मानता हूँ दोस्तों मेरे हिसाब से, बाकी लोग का अलग अलग होगा, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि जो चीज़ आप पढ़ते हो तो वो करता क्या है सबसे पहले आप वो जान लो, क्योंकि अगर वो जो करता होगा उसका जो भी फंक्शन होगा अगर वो आपको पता चल जाएगा ना, तो उसको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट और ईजी हो जाता है, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है सबसे पहले वो समझ लो। जैसे कि मैं आपको हर बार बोलता हूँ दोस्तों कि हम जो भी खाना खाते हैं उससे एनर्जी डायरेक्ट नहीं मिलती है, हम ऑक्सीजन लेते हैं और जो हम खाना खाते हैं वो दोनों जाके मिक्स होता है कहाँ पे, सेल के अंदर। कहाँ मिक्स होता है दोस्तों, सेल के अंदर पहुंच जाता है हमारा क्या क्या, आप भी समझ लो एक सेल है, सेल के अंदर पहुंच जाता है क्या क्या पहुंच जाता है हमारा, दैट इज ऑक्सीजन, O2 जिसको बोलते हैं, और न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स में कुछ भी हो सकता है, या तो वो कार्बोहाइड्रेट्स हो सकता है, या तो वो प्रोटीन्स हो सकते हैं, या तो वो फैट्स हो सकते हैं, ये तीनों में से कोई भी चीज़ हो सकता है, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तीनों में कुछ भी हो सकता है। तो जब ऑक्सीजन और ये जो न्यूट्रिएंट्स है इन दोनों का मिलअप होता है यानी कि मिक्सअप होता है एंड दोनों रिएक्शन करते हैं, तो जहां पे वो रिएक्शन करते हैं वो जगह जो होता है ना दोस्तों, समझ लो ये क्या है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। तो जहां पे रिएक्शन हो रहा है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है और उसी में एनर्जी आपका प्रोड्यूस होता है। इसीलिए ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है दोस्तों, इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ये आपने नाम सुना होगा शायद कि माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में बोल रहा हूं और इसको नोट डाउन कर लो कहीं पे भी, क्योंकि ये चीज फिर इन द ब्लैंक्स में पूछता है, डैश इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस, क्योंकि उसी के अंदर एनर्जी बनती है, आपकी बॉडी में जो एनर्जी बनती है तो वो एक सेल में बनती है और सेल के अंदर हर सेल में बन रही है, हर सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा तो हर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनता है, दैट्स व्हाई उसको पावर हाउस बोलते हैं। ये छोटा सा इंपॉर्टेंट है, इतना याद रख लो, बस हो गया यार माइटोकॉन्ड्रिया बस हो गया। बट इसमें भी बहुत सारे और चीजें हैं वो जो मैं आपको मैं बताने वाला हूं कि आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है, थोड़ा सा पोरस होता है यानी कि थोड़ा सा हल्का होता है। ये सब चीज़ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको सुनना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ पता होना चाहिए। इनर मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन होता है, फिर इसके अंदर इनर कैविटी में एक प्रोटीन का जेल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको मैट्रिक्स कहते हैं। दिख रहा है इसको मैट्रिक्स मैंने लिखा हुआ है, तो एक प्रोटीन का बना हुआ जेल जैसा स्ट्रक्चर अंदर प्रेजेंट होता है जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं। एंड वो जो मैट्रिक्स होता है ना दोस्तों, उसी में आपके राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स और DNA भी प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इसी के अंदर इतने सारे चीजें जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये
इतने सारे चीज प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई ये जो पर्टिकुलर चीज है ये प्रोटीन बनाने में भी काम आता है, ठीक है ना। प्रोटीन्स सिंथेसिस में काम आता है, प्रोटीन बनाता है दोस्तों, और साथ में एनर्जी तो बनाता है, लेकिन ये बहुत सारे एंजाइम्स जो होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसी के साथ जो भी हमारा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स आता है उसको वो ऑक्सीडाइज करता है। ऑक्सीडाइज मतलब O2 के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना, एंड जैसे ही वो चीज कर लेता है तो उसमें से क्या बनता है, एनर्जी। और वो भी एनर्जी किसके फॉर्म में बनता है दोस्तों, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसको बोलते हैं ATP, ठीक है ना। एडिनोसाइन यहां पे लिख देता हूं, चलो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ये इसका फुल फॉर्म होता है, ये याद रख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में एनर्जी बनता है, 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एक्चुअली बनता है हमारे ह्यूमन बॉडी में, बट नॉर्मली उसको याद रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आज के डेट में, लेकिन जब आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे तो आप इसको याद रख लेना। तो ATP के फॉर्म में बनता है, और प्लांट सेल जो होते हैं ना उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया थोड़े कम होते हैं एनिमल्स के कंपैरिजन में, क्योंकि एनिमल्स को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है क्योंकि वो अपना परफॉर्मेंस फिजिकल करते हैं, लेकिन प्लांट्स में अंदर ही होता है इसके लिए ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होते, बहुत कम माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं एज कम्पेयर टू एनिमल सेल्स। बस इतना आपको याद रखना है, फंक्शन तो मैंने बता दिया, एनर्जी बनाता है ATP के फॉर्म में, ये आपको याद रखना है, एंड साथ ही में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स ये सभी चीज़ का भी मैन्युफैक्चर करता है, सिंथेसिस करता है, किसके फॉर्म में, ATP के फॉर्म में, ठीक है। बस आपको इतना ये चीज़ याद रखना था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ, ठीक है, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ ऐसा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैक्यूल्स, ये भी आपने बहुत बार सुना होगा, बार बार ये चीज सुनने में आ रहा होगा, वैक्यूल स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया, वैक्यूल्स, ठीक है ना, वैक्यूल्स, ओके। तो वैक्यूल्स जो होता है दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है सेल के अंदर, जो कोई भी प्लांट या फिर एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है नॉर्मली। तो ये एक ऐसा है जिसको हम लोग स्टोरेज सैक के नाम से भी जानते हैं, यानी कि स्टोर करने के लिए काम आता है, एक गोनी जैसा स्ट्रक्चर है, जैसे गोल्गी बॉडी था आपका, तो वैसे ये स्टोरेज सैक के जैसा काम आता है। लेकिन इसका फंक्शन क्या है ये जान लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके अंदर कोई भी सॉलिड या फिर लिक्विड कंटेंट को वो क्या करता है, सॉलिड या फिर लिक्विड चीज को उसके अंदर वो स्टोर करके रखता है, ताकि उसको जमा करके रख सकते हैं और उसको आगे काम आए, ठीक है। एंड दे डोंट हैव एनी टिपिकल शेप, यानी कि नॉर्मल के तौर पे अगर देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया का एक शेप था, बट इसका जो होता है कोई भी शेप नहीं होता, इट डोंट हैव एनी शेप, ठीक है ना, कोई भी शेप इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। जैसा इसके अंदर मटेरियल स्टोर होगा, चाहे वो सॉलिड मटेरियल हो चाहे वो लिक्विड मटेरियल हो, उसके हिसाब से वो रहता है, ठीक है। और इसके फंक्शंस की अगर मैं बात करूं तो मेन पहली बात तो एक और चीज़ है कि इसका स्ट्रक्चर, अभी माइटोकॉन्ड्रिया कैसे डबल लेयर का बना था, लेकिन ये जो है सिंगल लेयर से बना है, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखना, लेकिन फिर भी आप याद रख सकते हो कि वैक्यूल जो है सिंगल लेयर से, सिंगल मेम्ब्रेन से बना होता है। फंक्शन यही है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है सेल का, यानी कि कुछ चीज़ अंदर जाना कुछ चीज़ बाहर आना, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ऑस्मोटिक प्रेशर, इसके पहले के लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया था, तो जरूर से पढ़ लेना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है, साथ ही में जो भी बाय प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि ग्लूकोज, प्रोटीन हो गया, वाटर हो गया, ये सभी चीज़ को अंदर बाहर करता है, यानी कि स्टोर करने का काम करता है। एनिमल सेल्स में वो वेस्ट प्रोडक्ट और फूड दोनों को स्टोर करता है, और अमीबा में वो स्टोर करता है फूड को डाइजेशन के पहले, डाइजेशन के पहले वो क्या करेगा, फूड को स्टोर कर लेगा अपने अंदर। और प्लांट सेल के अंदर जो होता है नॉर्मली सेल सैप भरा होता है, एक लिक्विड भरा होता है, सेल सैप बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई भी प्लांट होता है उसके अंदर से लिक्विड आपने देखा होगा निकलते हुए, वो उसका सेल सैप होता है, पानी जैसा चीज होता है, उसके अंदर मिनरल्स सॉल्ट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो नॉर्मली प्लांट के अंदर जो वैक्यूल्स होता है उसके अंदर सेल सैप भरा होता है, जो कि उसके अंदर अंदर जाता है एक बार बाहर निकलता है, तो इस प्रकार वो चीज होता रहता है, क्लियर दोस्तों। तो यही था वैक्यूल्स का इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन, नॉर्मली पूछता तो नहीं है लेकिन अगर आप पूछ लेता है तो ये सब चीज आपको लिखना पड़ेगा और आप लर्न कर सकते हो आपके सिलेबस में से, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये दो टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, वैक्यूल्स क्या होता है, ये दो टॉपिक हो गया, और दो टॉपिक्स बचे हुए हैं उसको भी कंप्लीट करा देंगे तो फाइनली हमारा जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको मैं रफ कर लेता हूं ताकि हम लोग अगले दो जो टॉपिक है उसको भी आपके लिए करा सके। तो ध्यान से देखिएगा, ओके चलो स्टार्ट करते हैं हमारा अगला टॉपिक, जो कि है दोस्तों प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स एक ऐसा चीज होता है जो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होता है दोस्तों प्लांट सेल के अंदर, सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट रहता है। क्यों प्रेजेंट रहता है मैं आपको बताऊंगा, बस एक सेकंड के लिए आप रुक जाइए। तो प्लास्टिड सबसे पहली बात, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल माना जाता है कोई भी सेल के अंदर, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जैसे मैंने बोला कि कहां पे प्रेजेंट रहता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है। इसके पीछे रीजन ये है कि जो प्लास्टिड्स होता है वो प्रोवाइड करते हैं पिगमेंट्स, जो भी प्लांट्स में पिगमेंट्स आते हैं ना, यानी कि जो कलर होता है प्लांट का, जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्लांट के जो पत्तियां होती है, फ्लावर्स जो होते हैं, फ्रूट्स जो होते हैं, वो रंग बिरंगे होते हैं, कोई ब्लू कलर आता है, किसी का ऑरेंज कलर आता है, किसी का रेड कलर आता है, किसी का ग्रीन कलर आता है। तो ये कलर कहां से आ रहा है, एनिमल्स में तो ऐसा नहीं होता है, हमारा तो कलर स्किन का तो एक ही है, ठीक है ना, चेंज तो नहीं होता है। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं वो बिकॉज हमारे सेल के अंदर, नॉट हमारे, प्लांट्स के सेल के अंदर एक स्पेसिफिक
ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है, सेल ऑर्गन प्रेजेंट होता है, जिसका नाम है प्लास्टिड्स, जो कि पिगमेंट्स प्रोवाइड करता है और कलर बनाने का काम करता है। तो नॉर्मली बहुत सारे पिगमेंट होते हैं, जैसे कि अगर मैं बताऊं कि अगर कोई भी चीज ग्रीन है तो ग्रीन कलर का पिगमेंट आपको सबको पता है, दैट इज है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो वो चीज ग्रीन का होगा, खासकर लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। अगर कोई चीज ऑरेंज कलर का है तो ऑरेंज कलर का जो पिगमेंट का नाम है दोस्तों वो है केरोटीन। ठीक है, तो केरोटीन अगर पिगमेंट प्रेजेंट है तो वो ऑरेंज कलर का फ्रूट होगा, फ्लावर होगा, जो भी होगा। ठीक है ना, अगर येलो कलर का है तो येलो कलर का पिगमेंट जो होगा वो होता है ज़ैंथोफिल। ठीक है ना, ज़ैंथोफिल करके एक पिगमेंट है, वैसे ही जो है जैसे क्लोरोफिल ग्रीन करता है वैसे ही ज़ैंथोफिल येलो कलर प्रोवाइड करता है। फिर एक और है पर्पल या फिर ब्लू कलर का कोई भी चीज़ है, जैसे कि बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे होते हैं जामुन वगैरह आपने देखा होगा, तो पर्पल या फिर ब्लू कलर के जो चीज़ है वो आता है एंथोसाइनिन की वजह से। ठीक है ना, एंथोसाइनिन की वजह से जो है वो प्रेजेंट होते हैं, सायानिन, सायानिन स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने। ठीक है, एंथोसाइनिन के वजह से प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें डार्क पिंक जो होता है ना, एकदम गाढ़ा गुलाबी कलर का डार्क पिंक कलर जो होता है ये प्रेजेंट होता है, इट इज बिकॉज ऑफ बेटालियंस। ठीक है, तो बेटालियंस की वजह से प्रेजेंट होता है। तो ऐसे देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आपके सिलेबस में इतना इंक्लूडेड है, अगर देखा जाए तो आपको बस इतना याद रखना है। आप 8 स्टैंडर्ड में बहुत ज़्यादा, आप 11 ट्वेल्थ में नहीं हो कि आप बहुत सारा याद कर पाओ। आपको पूछेगा भी तो 2-3 चीज़ पूछ सकता है, ऊपर के 2-3 याद रख लो बस हो गया आपके लिए, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए, आपको कंसेप्चुअल नॉलेज के लिए अगर आपको याद रखना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो जो प्लास्टिड्स होते हैं मेनली दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो ल्यूकोप्लास्ट होता है, दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस या फिर व्हाइट कलर के जो चीज़ें होती हैं, जैसे व्हाइट या फिर कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं वो आपके ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। दूसरा जो जो प्लास्टिड्स होता है वो होता है क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमो यानी नाम में एक कलर है, क्रोमो का मतलब होता है कलर, यानी कि वो जो प्लास्टिड्स जो कलर का प्रोवाइड करते हैं, कलर को इंप्लीमेंट करवाते हैं, उसको क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, एंड क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो कन्वर्ट हो सकता है क्रोमोप्लास्ट के अंदर, अगर उसके अंदर बहुत सारे टाइप के प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि रॉ ग्रीन टोमेटो, कच्चा टमाटर देखा है आपने एकदम हरा कलर का होता है, तो वो बाद में धीरे धीरे लाल हो जाता है, क्योंकि क्लोरोफिल जो है धीरे धीरे ब्रेकडाउन होने के बाद उसमें लाइकोपीन का सिंथेसिस हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बस याद रखना है, और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, तो ये सब चीज़ हो गया। वैसे ही ये यहाँ पे इसी के साथ प्लास्टिड जो है, जो कि एक छोटा सा पिगमेंट वाला याद रखना, बस पिगमेंट्स प्रोवाइड करता है, कलर प्रोवाइड का काम करता है प्लास्टिड। सो ये सेल ऑर्गेनल्स भी खत्म हो गया। और एक लास्ट टाइप का सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट है दोस्तों, जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। ये जो हमने पढ़ा क्लोरोफिल, तो ये क्लोरोफिल आता कहां से, क्लोरोप्लास्ट में से आता है। तो वो एग्जैक्टली क्या होता है, क्योंकि ये प्लांट्स में सबसे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल माना जाता है, इसके बिना तो प्लांट खाना भी नहीं बना पाएगा। करेक्ट है, क्योंकि उसी के लिए क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होना चाहिए ना। तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, एंड फिर हमारा जो चैप्टर है ये भी खत्म हो जाएगा। तो चलिए इसको भी रफ करके फिर हमारा आखिरी टॉपिक की भी शुरुआत कर लेते हैं। ओके, तो लास्ट टॉपिक इज कॉल्ड एज द क्लोरोप्लास्ट। ये बहुत बार आपने सुना भी होगा कि कोई भी प्लांट जो होता है, खासकर ऐसा प्लांट जो अपना खाना खुद बनाता है, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली जब अपना खाना खुद बनाता है तो क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, और क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट होता है, ये वाले सेल ऑर्गेनल में, जिसका नाम है दोस्तों क्लोरोप्लास्ट। तो ये भी सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल के अंदर ही प्रेजेंट होता है, क्योंकि प्लांट ही एक ऐसा चीज है जिसमें अपना खाना खुद बनाने की ताकत हो, यानी कि प्लांट्स नॉट एनिमल्स। ठीक है, तो नॉर्मली क्लोरोप्लास्ट की अगर मैं बात करूँ, इसका स्ट्रक्चर की अगर मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश करूँगा तो इस प्रकार स्ट्रक्चर होता है। और एक चीज़ ये है कि ये प्रेजेंट कहाँ रहता है, जैसे कि आपको अगर मैं बताऊँ कि अगर कोई लीफ है, पत्तियाँ जो है, पत्तियाँ, तो पत्ती के अंदर आपने देखा होगा छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, वो पोर्स के अंदर ही ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। समझ लो ये भी डबल लेयर का बना होता है, एंड ये डबल लेयर्स में भी क्या होता है, बहुत सारे क्या होते हैं, स्ट्रोमास प्रेजेंट होते हैं, यानी कि कॉइन आपस आपने कॉइन एक के ऊपर एक कॉइन कैसे रखते हैं, तो उसी प्रकार ना बहुत सारे कॉइन जैसे स्ट्रक्चर्स इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, अलग अलग कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से। यहाँ पे मैं ठीक से डायग्राम तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन फिर भी आपको मैं थोड़ा सा एक रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो पत्तियाँ जो एक तरीके से कॉइन जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं ग्रेनम। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूँ, अगेन इसमें दो लेयर होते हैं, एक होता है आपका आउटर लेयर, ठीक है, फिर एक होता है अंदर का इनर लेयर। ठीक है, दो दो लेयर इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, फिर ये और इसके बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है, वो स्पेस को नाम कहा जाता है इंटर मेम्ब्रेनस। ठीक है ना, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, यानी कि एक आउटर मेम्ब्रेन, आउटर लेयर और इनर मेम्ब्रेन, आउटर और इनर के बीच में एक छोटा सा स्पेस प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, ताकि दोनों को वो सेपरेट कर सके। फिर ये जब चीज़ जो होते हैं उसको एक ही साथ बोलते हैं, तो थैलाकॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखने हैं, अगर आपको एग्जाम में डायग्राम पूछता है तो आप बना सकते हो और उसको नेमिंग कर सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्लोरोप्लास्ट का फंक्शंस। अगर बात करें क्लोरोप्लास्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, जैसे मैंने बोला कि अगर प्लांट को अपना खाना खुद बनाना है तो उसको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करना पड़ेगा, एंड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए
उसको चाहिए क्लोरोफिल पिगमेंट, तो और क्लोरोफिल कब आएगा, जब उसके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, तो क्लोरोफिल जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, सोलार एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है, क्योंकि धूप रहेगा तभी तो खाना बना पाएगा, तो सोलार एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी में, एंड वो केमिकल एनर्जी आपका जो खाना है यानी एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होके जो फूड होगा यानी जो प्लांट में वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, एंड उसी की वजह से वो एनर्जी ले पाता है और ग्रो कर पाता है। ये सब चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। और ये जो स्ट्रोमा जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने बताया, इसके अंदर और एक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। तो स्ट्रोमा जो होता है ना दोस्तों, वो स्ट्रोमा का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे, कि स्ट्रोमा जो होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, उसके पास बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, डीएनए प्रेजेंट होते हैं, साथ ही में राइबोसोम, कार्बोहाइड्रेट्स, ये प्रेजेंट रहते हैं ताकि वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है उसको करवा सके। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको भी याद रख लेना, ठीक है। कुछ मेन फंक्शंस की अगर बात करें कि क्लोरोप्लास्ट का मेन फंक्शंस क्या है, ठीक है, फंक्शंस, ओके, जैसे हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई, तो फंक्शंस भी उसी प्रकार है दोस्तों, कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो सोलार एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक और चीज़ इसमें है कि आपका क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्रोमोप्लास्ट होता है ना, क्रोमोप्लास्ट जो मैंने आपको प्लास्टिड में बताया था, तो क्रोमोप्लास्ट जो होता है बहुत सारे कलर्स जो होता है ना प्लांट में प्रोवाइड करने के लिए काम आता है, एंड वही कलर से आपके डिफरेंट डिफरेंट कलर के फ्लावर्स एंड फ्रूट जो है वो बन पाते हैं, ठीक है। तो ये भी इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। एंड इसके अलावा देखा जाए तो ल्यूकोप्लास्ट होता है जो कि सिंथेसिस करवाता है, यानी फूड को स्टोर करने में काम आता है, जैसे कि स्टार्च होता है ऑयल के फॉर्म में, प्रोटीन के फॉर्म में, ऐसे अलग अलग सोर्स में वो स्टोर करने के लिए काम आता है। और माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिस जो है ये भी जो है ये क्लोरोप्लास्ट के हेल्प से यहाँ पे रेप्लिकेट करते हैं, यानी खुद को बनाते हैं। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो नॉर्मली इसमें हम लोग को पढ़ना है, जब आप फ्यूचर में जाओगे 12th में या फिर 11th में एक चैप्टर है इसके ऊपर क्लोरोप्लास्ट के बारे में, और ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ना रहेगा, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से 8th स्टैंडर्ड जो कि आपका बेसिक होता है उसके हिसाब से यहाँ पे हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ लिया। फंक्शंस बस आपको याद रखने, और बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स मैंने बताए ये आपको याद रखने दोस्तों। और दोस्तों इसी के साथ फिर हमारा ये जो टॉपिक है जिसका नाम था सेल ऑर्गेनल्स के बहुत सारे टॉपिक्स हमने पढ़े, ये सभी चीज़ खत्म होते हैं, क्लोरोप्लास्ट भी खत्म हो गया। तो फाइनली हम इसी के साथ क्या बोल सकते हैं दोस्तों, कि हमारा ये जो चैप्टर है जिसका नाम है सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स, ये होता है टोटली कंप्लीट। तो दोस्तों जल्द मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर वीडियो में, जिसमें हम लोग आपके लिए लेकर आएंगे और भी ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जो भी बचा हुआ पार्ट है उसको भी खत्म कर देंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ये वीडियो एंड ये चैप्टर आपको कैसा लगा दोस्तों प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी ऑनेस्ट रिव्यू, अपना बहुत अच्छा रिव्यू दोस्तों दीजिएगा इसमें, ताकि हम लोग उसको पढ़ सके और हम लोग भी कुछ अपग्रेडेशन करना है या फिर जो भी आपकी राय और सजेशंस रहेगी हम लोग जरूर से देखते हैं दोस्तों, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, चैप्टर यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, लाइक कीजिएगा दोस्तों, शेयर करो मैक्सिमम पीपल तक, बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों आप लोग के लिए वीडियोस बनाने के लिए, तो प्लीज़ फटाफट से शेयर कर देना मैक्सिमम पीपल तक, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स तक, ताकि ये इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल नॉलेज वहाँ तक भी पहुँच सके, एंड जो मैंने मुहिम छेड़ी है कि एक फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन दे सकूँ, तो वो वहाँ तक पहुँच सके, ठीक है दोस्तों। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे न्यू हो, फर्स्ट टाइम आए हो चैनल को, अगर आपको पसंद आ रहा है दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।